Welcome. Mathematics. RRB-ALP-Technicians Group D इसके प्रीवियस ईयर्स के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है. RRB अजमेर टेक्नीशियन का ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर है. आइए, इसके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं और फिर आगे ये सिलसिला जारी रहेगा. आइए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. A circular lawn of diameter 30 meter contains a small rectangular lake 15 meter into 10 meter. The remaining portion contains grass. The area of the grass is nearly. कहने का मतलब एक सर्कुलर वृत्ताकार लॉन है जिसमें जिसका डायमीटर व्यास 30 मीटर है. उसके अंदर एक आयताकार रेक्टेंगुलर लेक है, झील है, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है कि 15 मीटर इंटू 10 मीटर. ये है, ठीक है. द रिमेनिंग पोर्शन जो है बाकी में ग्रास है, घास है, तो घास वाले एरिया का लगभग मैं बताइए. कहने का मतलब ये है कि ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है लॉन, ठीक है, और इसके बीच में ये लेक है. तो इधर ग्रास है, इसका एरिया बताइए. तो ये तो दिया हुआ है, लगभग बताइए, लगभग अप्रॉक्स. तो आप देख रहे हैं 15 इंटू 10 है, ये 15 मीटर है, ये 10 मीटर है, ठीक है. और इसका जो व्यास है, डायमीटर जो है, वो 30 मीटर है. यानी समझ लीजिए कि इसको हम बात करें तो 30 मीटर है, 30 मीटर है. तो डी अगर 30 मीटर है तो रेडियस क्या हुआ, 15 मीटर हुआ ना, ठीक. तो ग्रास का एरिया क्या हुआ, पूरा एरिया में से इसका एरिया लेस कर दीजिए, पूरा एरिया. तो चूंकि हमें वैल्यू निकालना है, लगभग में निकालना है, तो हम लोग 22/7 यूज ना करके 3.14 यूज करते हैं. पाई आर स्क्वायर हो गया पूरे का, और उसमें से 15 इंटू 10 इसको लेस कर देते हैं. यही होगा मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस एल पी, समझ लीजिए लाइक दैट. अब इसका मल्टीप्लिकेशन ही सब कुछ है. कैसे मल्टीप्लाई करें इसको बताइए. तो एक 15 को कॉमन ले लें, थोड़ा इजी हो जाएगा. अगर एक 15 हम कॉमन ले लेंगे तो 3.14 इंटू 15 रह जाएगा, माइनस 10 रह जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा. आप चाहे तो और भी एक 5 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन छोड़िए, 15 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 15 से मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको हाफ करके इसको डबल कर देते हैं. तो ऐसा करने से ये कितना हो जाएगा, 157 इंटू 30 माने 3, ऐसे 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 ऐसे. और ये तो आप समझ रहे हैं, 15 3 जा 45, 47.1 होगा, और इसमें 10 लेस कर देंगे तो 37.1 होगा, यानी 15 इंटू 37.1 होगा. जल्दी बोलिए, 10 लेस हुआ तो इसे लगभग में मल्टीप्लाई करना है, लगभग में करना है. तो 15 इंटू 30 450 हुआ, और 15 7 जा बोले 15 7 105 बोले 105, और इधर 450 यानी 450 105 यानी 555. देखिए 555 बोले, इससे किया, और ये 1.5 लगभग 556.5 यानी अप्रोक्सीमेटली 557. ये लगभग कितना हुआ, इसे हम 1557 मीटर स्क्वायर लगभग बोलेंगे, यानी 557 मीटर स्क्वायर लगभग, यानी सी इज द आंसर. दूसरे तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा नजदीक है, 557 है, ठीक है, उसके बाद 457 है. आप यहां रफ हो सकते थे, मैं रफ नहीं हुआ, आप कहीं भी हो सकते थे, मुझे बताना था, आपको समझने में दिक्कत होती इसीलिए, नहीं तो हम लोग ऐसे भी सीधा सीधा कर सकते थे, सीधा ये 45 हो जाता, और ये करीब करीब 2 ले लेते, तो 47 में 10 लेस करते, 37 लिख सकते थे, और 37 इंटू 15 कर सकते थे, वैसा भी कर सकते थे. तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे कीजिए. ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है. इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन. सेकंड नंबर क्वेश्चन है,
A certain number of two digits is four times the sum of the digits. If 18 is added to the number, then the digits are reversed. Find the number. बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, कई तरीके से बना सकते हैं, मेरा मकसद आपको समझाना है, तो मैं कई मेथड से बात करता हूं, यूजुअली जैसे है वैसे भी, ताकि हर तरह के स्टूडेंट को समझ में आए। क्वेश्चन है कि एक नंबर है दो अंकों वाली संख्या, तो हम बोल देते हैं 10x plus y, जहां x और y क्या है, डिजिट्स हैं, अंक हैं, 10x plus y, ठीक है। ये एक तरीका मैं बनाता हूं, फिर सेकंड मेथड बनाऊंगा, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, ऑप्शन मेथड है वो यहां पर बेस्ट है। फिर भी मैं बताता हूं कि मान लीजिए कि ये नंबर 10x plus y है, परेशान मत होइए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 64, तो आप समझ रहे हैं इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 6 प्लस 4, तो ये x हो गया, ये y हो गया, इकाई स्थान, दहाई स्थान, समझ गए। डिजिट बदल जाएंगे तो क्या होगा, ये 46 हो जाएगा, अंक बदल जाएंगे तो, समझ गए जिन बातों का इसमें जिक्र है। तो ये है क्वेश्चन, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, उसके अंकों की संख्या का चार गुना है, फोर टाइम द सम ऑफ द डिजिट। कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, इसके जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए और फोर टाइम्स कीजिए तो उसके बराबर है। कहने का मतलब एक इक्वेशन वो दे रहा है, कह रहा है दो अज्ञात राशियां हैं, टू अननोन्स हैं, तो एक इक्वेशन देने से, वन इक्वेशन देने से तो होगा नहीं, तो एक और इक्वेशन दिया, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि इस 10x plus y में अगर हम 18 ऐड कर दें तो डिजिट्स बदल जाते हैं, यानी 10y plus x हो जाता है, और आप इसको सॉल्व कीजिए जो आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा, मेरा इरादा ऐसे सॉल्व करवाने का नहीं है, इस मेथड से मत कीजिए। फर्स्ट वाले को आप करेंगे तो 4x और 10x, इसको सॉल्व करेंगे तो 6x आएगा, और y उधर ले जाइए 4y, तो 3y आएगा, यानी x 2x is equal to y आएगा, ये रिलेशन मालूम हो गया। दूसरे वाले से मालूम होगा, अगर हम ऐसे करते हैं तो ऐसे नहीं करना है, तो देखिए ये क्या होगा 9x होगा, और ये क्या होगा -9y होगा, इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, तो अच्छा है कि हम उसी को उधर रखें, तो 9y माइनस 9x बोलें तो ज्यादा अच्छा है, 8 होगा, 8, ये कह रहा है 8 नहीं 18 है, 18, इफ 18 इज एडेड 18 है, फिर ये 9 कॉमन लिया, काटा, ऐसे किया तो फिर 2 हुआ, अब y का वैल्यू 2x है तो 2x यहां रख दिया तो 2 हुआ, यानी x इज इक्वल टू 2 हुआ, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ 4 हुआ, तो हमारा नंबर 10x plus y है, 10x plus y, यानी 10x plus y है, यानी 24 आंसर हुआ, यानी कि D आंसर हुआ। ऐसे नहीं बनाना है, ये सिर्फ लिखा गया है समझाने के लिए, ऐसे बनाने से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसे मैंने सिर्फ बनाया है जिनका पहला एपिसोड हो, नया नया देख रहे हो उनके लिए। बेस्ट मेथड तो ऑप्शन मेथड है, जिसका आंसर दिखता है, लेकिन वो जाने के पहले थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। आई ये समझ गया क्या करते हैं, अगर आपको ऐसे बनाना भी है तो फर्स्ट लाइन तो ठीक है, जैसे आपने लिखा वो ठीक है, वहां तक ठीक है, निकाल लिया 2x is equal to y, लेकिन सेकंड लाइन ये कहता है कि जब डिजिट्स बदल जाते हैं, जब 18 ऐड होता है, इसका मतलब क्या है, शुरू वाला नंबर छोटा है, बाद वाला बड़ा है, छोटा है शुरू वाला, इसका मतलब क्या x छोटा है, y बड़ा है, जैसे 36 बोलेंगे तो 3 छोटा है, इसलिए 36 छोटा है, 63 बोलेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो जिस नंबर में 18 ऐड करेंगे तो डिजिट उल्टेगा, इसका मतलब शुरू वाला छोटा है, यानी x स्मॉलर है। डिजिट बदलने से जब नंबर बदल जाते हैं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट, तो डिजिट के अंकों का जो डिफरेंस होता है वो 9 का मल्टीपल्स होता है, यानी 18 का मतलब 9 इंटू 2, 2, यानी ये दिया हुआ है कि y माइनस 2 इज इक्वल टू
2 सीधा सीधा, और इसका मतलब ये है कि 2x यहां रख दिया तो x भी 2, y is equal to 4, 24 is the answer. अगर usual method से बनाना है तो आप ऐसे करके बनाएंगे. ये समझ में आया कैसे बात क्या होती, मैं बताता हूं. ये मैंने क्या किया पहले बताता हूं. जैसे मान लीजिए कि 85 है, इसको उलट दीजिए 58. तो जब भी लेस करेंगे ना तो 9 इनटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट होगा तो 3. तो अगर कोई मुझे 27 बोले कि अंकों को बदलने से जो अंतर आता है डिफरेंस वो 27 है, तो मैं बोलूंगा नहीं 9 इंटू 3, 3 जो है दोनों के बीच का डिफरेंस है और शुरू वाला कौन बड़ा है, तो x माइनस y इक्वल टू 3 मैं क्यों नहीं बोलूंगा डायरेक्ट. x माइनस y की y माइनस x, तो वो यहां से पता चल गया कि शुरू वाला नंबर छोटा है, 18 ऐड करते हैं तो डिजिट बदलता है, तब ना. इसी को हमने किया, इसी को हमने किया कि 18 था ना, इसी को हमने किया कि 18 को हमने लिखा 2 इंटू 9 और यहीं से निकला y माइनस x इज इक्वल टू 2. बोलिए समझ में आ गया होगा, ये सेकंड मेथड है. लेकिन इन दोनों मेथड से नहीं बनाना है, बनाना है ऑप्शन मेथड से. थर्ड मेथड है ऑप्शन मेथड एंड दैट इज द बेस्ट. थर्ड मेथड है ऑप्शन मेथड, और ऑप्शन मेथड में तो कुछ है ही नहीं. इधर आइए. क्वेश्चन कहता है कि जो संख्या है ना, अपने संख्या जो है अपने डिजिट के सम का जोड़ का 4 गुना है, तो 2 और 1 ऐड कर दीजिए 3, 3 का 4 टाइम्स 12 है, ये तो सही है, सही है. इसमें फिर दूसरा देखते हैं, तो दूसरा बाद में देखेंगे या शुरू में ही देखते हैं. 18 को ऐड करते हैं तो नंबर बदल जाते हैं. 18 मतलब 9 into 2, 2 डिफरेंस होना चाहिए, 2 डिफरेंस है नहीं है, डिफरेंस 2 होना चाहिए, 2 है नहीं है, खत्म है डिफरेंस. यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इन दोनों में कोई आंसर होना है. लेकिन ये नंबर जो है ना, दोनों को ऐड कीजिए, 4 प्लस 2 6, 6 का 4 टाइम्स है, 6 का ये 7 टाइम्स है, नहीं होगा आंसर. ये 4 और 2 6, 6 का 4 टाइम्स है कि नहीं? यस, दिस इज द आंसर, दिस इज द वे, बेस्ट मेथड. ऐसे ही आपको सॉल्व करना है. बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में. राम ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही रीचेस ए डेफिनेट प्लेस 15 मिनट्स लेट. If he travels at the rate of 4 km per hour, he reaches 15 minutes early. The distance Ram has to travel is bada important type hai, exam mein aayega. Ram ko ek journey karni hai. Wo yadi 3 km per hour se jata hai, to wahan tak jaane mein kisi nishchit duri tak tay karne mein 15 minutes late ho jata hai. Speed badha de agar wo 4 km per hour se jaye, to 15 minutes pehle pahunch jata hai. बताइए ना वो लेंथ ऑफ जर्नी कितनी लंबी है, कितने किलोमीटर की है. इसका फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड मान लिया डिस्टेंस x किलोमीटर का है, तो जाने में इस हिसाब से इतना टाइम लगा पहली बार, दूसरी बार स्पीड बढ़ा देता है तो इतना टाइम लगा, एंड द गैप इज 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, यानी 30 मिनट का अंतर है, यानी कि हाफ एन आवर का डिफरेंस है. क्यों? ये आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर है, एक्स किलोमीटर इतना आवर इन द गैप है. जैसे मान लीजिए 10:15 में पहुंचे, 9:45 में पहुंचे, तो दोनों के बीच में गैप हुआ कि नहीं 30 मिनट्स का. सॉल्व इट. क्या सॉल्व इट? 4x 3x x इज इक्वल टू 6 आंसर, एक बार में 6 किलोमीटर आंसर, कुछ नहीं करना था, दिस इज द आंसर बी. इधर 4, इधर 3, इधर 1, इधर 12, ये 2 से काटा, 6 आंसर. नहीं आया समझ में? बताता हूं. दरअसल एलसीएम लेते हैं 3 इंटू 4, तो ये 4x माइनस 3x होता है कि नहीं? बोलिए, इज इक्वल टू हाफ होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ये 1x होता है, x इज इक्वल टू 6 होता है कि नहीं? समझ गए? ये फर्स्ट मेथड है, अच्छा है, आप बना सकते हैं.
मैं आपको इसके दूसरे तरीके से बताता हूं, सेकंड मेथड से भी। सेकंड मेथड से भी बनाता हूं, आइए। सेकंड मेथड, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का जो रेशियो होगा उसका इन्वर्स रेशियो टाइम का होगा। देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, तो स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड एस वन इज टू एस टू, रेशियो एक्चुअल क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर, तो 3:4 का रेशियो है, तो जो टाइम का रेशियो होगा ना वो 4:3 होगा। तो गैप क्या हो 1 का, और गैप क्या है हाफ एन आवर, 15 मिनट्स 15 मिनट्स, तो 4 मीन्स क्या होगा और 3 मीन्स क्या होगा, हाफ होगा तो हाफ होगा तो क्या होगा, हाफ होगा तो 2 आवर्स, हाफ होगा तो क्या होगा, 1.5 आवर, 1.5 आवर। 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2 घंटे में जाने पर 6 किलोमीटर आंसर, या 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाने पर 1.5 आवर में 6 किलोमीटर आंसर। बोलिए समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, I gave some money at simple interest. At the end of 16 years, I got 3 times of my loan. Find out the rate of interest without using pen and paper. मैंने कुछ धन साधारण ब्याज के दर पर दिया किसी रेट से। 16 years के बाद 3 times हो गया। 3 times मुझे मिला। क्या मिला? पैसा। 100 जमा किए थे, 300 मिला। 200 is interest. 200% is interest. 100 जमा किए थे, 100%, 300% हो गया, 200% interest मिला in 16 years, 200%. 8 years में 100%, 1 year में 100 by 8, 12.5%, 12.5% answer. बताता हूँ, fourth number. ये principal माना 100%, amount हो गया 300%, मिस्टर धन. तो सिंपल इंटरेस्ट मिला 200%, कहां से आया, 300% माइनस 100%, तो 200% मिला है कितने इयर्स में, 16 इयर्स में, तो रेट हुआ 1 ईयर में कितना मिला, 12.5%, आंसर बी इज द आंसर। बोलिए समझ गए, आई कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप इन सारे क्वेश्चंस को मन में बनाएंगे और ज्यादातर केसेस में बिना पेन और पेपर के बनाएंगे। आइए फिफ्थ, ए सेल्स अ वॉच टू बी एट अ गेन ऑफ 10% एंड बी सेल्स इट टू सी एट अ गेन ऑफ 5%, इफ सी पेज ₹462, व्हाट डिड इट कॉस्ट टू ए। कुछ नहीं, ए ने बेचा बी को 10% लाभ पर, और बी ने बेचा सी को 5% प्रॉफिट पर, लाभ पर। सी अगर 462 पे करता है तो ए का कॉस्ट क्या है, ये परसेंटेज का एक सिंपल सवाल है। ऐसे ये 10% प्रॉफिट पर बेचा ए ने बी को, बी ने सी को 5% प्रॉफिट पर, और ये अगर 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 ₹462 है तो ये क्या है, कॉस्ट क्या है, ये परसेंटेज का एक सिंपल सवाल है। आप जानते हैं कि इनिशियल निकालते हैं तो 100/110 और ये 100/105, इसको डबल कर दीजिए तो 210 हो जाए, और इसको डबल नहीं करते हैं, इनटू 2 कर देते हैं, समझिए ऊपर नीचे, क्योंकि ये ताकि ये थोड़ा इजी हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। 11 भी इसको कैंसिल करेगा, 421 भी करेगा, चले 11 से करते हैं, लेकिन 11 से 42, 21 से 2 into 2, 4 into 100, 400 rupees, यानी 400 rupees आंसर। ये फर्स्ट मेथड है,
फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मैं बताता हूं, समझ में आ गया होगा। आई सेकंड मेथड है इक्विवेलेंट चेंज निकाल लीजिए, ऑप्शंस मेथड, नो पेन नो पेपर। 10% और 5% का इक्विवेलेंट चेंज हुआ 15 और 1.5 मतलब ये 10% और 5%, ये जो इक्विवेलेंट चेंज है ना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये हुआ 15.5%। तो जो भी होगा कॉस्ट ए का, उससे 15.5% ज्यादा होना चाहिए ना 462। तो इसका मतलब यह है कि अगर 250 आंसर है तो 250 से ये जितना ज्यादा है उसको 15.5% होना चाहिए 15.5। तो हम लोग देखते हैं 250 अगर हुआ तो ये करीब करीब 200 से ज्यादा है, 200 क्या 80% है, नहीं होगा आंसर। अगर हम बोलेंगे 200 का तो डबल से ज्यादा है, ये तो 100% से ज्यादा है, नहीं होगा आंसर। 300 अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे 162 इंटरेस्ट मिला, 50% से ज्यादा है, नहीं होगा आंसर। 400 अगर है तो 462 हुआ तो 62 रुपीज मिला, 400 पर 62 मिला। 40 का मतलब होता है 10%, 20 का मतलब होता है 5%, देखिए 15% से थोड़ा अबव है कि नहीं। दिस इज द आंसर, दिस इज द ऑप्शन मेथड एंड द बेस्ट मेथड, ऑप्शन मेथड एंड द बेस्ट मेथड। ये कहां से आया? ये आया इक्विवेलेंट चेंज जो होता है, ये हम लोग मन में ही कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, ये चेंज इसमें कुछ है ही नहीं, एक्स वाई ये रखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, रख दूं क्या 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5 बाई 100। ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये 15 है और ये 0.5 है, इतना हुआ। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 6th नंबर क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। A father had 3 sons. They were born at an interval of 3 years. The total age of 3 sons is 24 years. What is the age of youngest son? पूछा है। पूछा है, एक पिता के 3 बेटे थे। वो 3-3 वर्षों पर पैदा हुए, 3 वर्षों के अंतराल पर। यदि उनका टोटल एज 24 years है, तो सबसे छोटे वाले बेटे का एज क्या है? अगर आप एवरेज से परिचित हैं तो आंसर है, एवरेज इज 8.5 years आंसर। इसमें 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आंसर। देखिए अरिथमेटिक सीरीज है, बेटे 3-3 years पर पैदा हुए हैं, तो बीच वाले को एवरेज बोलते हैं, बीच वाले को एवरेज बोलते हैं। अगर 24 years सम है, सम अगर 24 years है तो एवरेज हुआ 8 years, और बीच वाला बेटा 8 years का है तो 3 less होगा कि नहीं, 5 years, और बाद वाला प्लस 3, 11 years। बोलिए सब जोड़ दीजिए, 24 साल हुआ कि नहीं, सबसे छोटा वाला बेटा कितने का है, टी 5 years। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।